वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। जैसा कि यस्टरडे के सेशन में हमने आपसे कहा था और जो शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें हमने कहा था कि वी विल गोइंग टू डिस्कस एंड सॉल्व द मॉडल क्वेश्चन पेपर विच इज इश्यूड बाय द पीयू बोर्ड। इट इज़ ए मॉडल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो जाता है कि इस तरह के पैटर्न वाला जो क्वेश्चन होगा वो हम एनुअल एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी का जो पेपर होता है वो चार पार्ट पे बेस्ड होता है, यानी कि इट इज़ हैड फोर पार्ट्स ए बी सी और डी। यानी कि ऑल पार्ट्स क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। तो पेपर के कितने पार्ट होते हैं, पेपर क्वेश्चन पेपर के चार पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट डी फर्दर डिवाइड होता है सेक्शन वन में और सेक्शन टू में। पार्ट ए 1 मार्क्स होता है, पार्ट बी 2 मार्क्स, पार्ट सी 3 मार्क्स के लिए होता है और पार्ट डी 5 मार्क्स के लिए होता है। और अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स स्कोर करना है तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दी फोर पार्ट्स। तो इस साल जैसा कि आपको मालूम है पेपर 140 मार्क्स का होगा जिसमें से आपको मैक्सिमम लेने हैं ओनली 70 मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन पेपर। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस दी क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आगे जाने से पहले एक बात जो आपको जो इंस्ट्रक्शन में दी जाती है वो ये दी जाती है कि अनलेबल्ड डायग्राम या इलस्ट्रेशन जो होती है डू नॉट अट्रैक्ट एनी मार्क्स। यानी कि आपने डायग्राम बहुत अच्छा ड्रा किया है लेकिन उसके लेबल नहीं किए हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन में 3 पॉइंट क्या होते हैं, द पेपर इज़ बेस्ड ऑन 4 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स आर कंपलसरी एंड साइमल्टेनियसली इसके साथ एक और जो पॉइंट होता है वो ये होता है अनलेबल जो डायग्राम होगा उसके लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो जो पहला पार्ट है वो है पार्ट ए। पार्ट ए फर्स्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितने मार्क्स के लिए है। यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये इसमें 5 मार्क्स की, 5 क्वेश्चन की क्या है, चॉइस है। इससे पहले एग्जामिनेशन में आप इस तरह की चॉइस नहीं होती थी, यहाँ पर ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते थे, यानी कि 10 क्वेश्चन होते थे, 10 के 10 क्वेश्चन करने होते थे। लेकिन अब की बार जो है इस साल चॉइस दी गई है, 15 क्वेश्चन है जिसमें से 10 एनी 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेंशन द यूनिक बिहेवियर ऑफ स्ट्रोबाइलस कुंथियाना। तो ये पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो फ्लावरिंग का मैकेनिज्म है, ये कुछ प्लांट में सीजनल होता है जैसा कि आपको मालूम है, और कुछ प्लांट जो में ऐसा होता है कि वो अपनी पूरी होल लाइफ में एक मरतबा फूल देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जो पॉली यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, पॉलीकार्पिक कहलाते हैं, और एनुअल बायनियल पेरेनियल प्लांट होते हैं। एनुअल प्लांट जो एक सीजन रहते हैं, एक साल रहते हैं, पेरेनियल जो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं और अपने सीजन में क्या देते हैं, फ्लावर प्रोडक्शन करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्ट्रोबाइलस कुंथियाना का जो यूनिक बिहेवियर है इन रिस्पॉन्स टू फ्लावर ये क्या है। एज यू सी इट फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर, यानी कि स्ट्रोबाइलस कुंथियाना जो है अपने 12 साल में एक मरतबा क्या करता है, फ्लावर प्रोडक्शन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो एज यू नो पॉलिनेशन 3 टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी और ज़ीनोगैमी। ऑटोगैमी और जीटेनोगैमी में एक ही प्लांट होता है तो वहाँ पर नो वेरिएशंस, बट ज़ीनोगैमी में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट मेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फीमेल प्लांट फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। मेल फ्लावर के लिए क्या बोला जाता है,
स्टेमिनेट, फीमेल फ्लावर के लिए क्या बोला जाता है पिस्टिलेट। तो यहाँ पर जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी कि वेरिएशन आने का चांसेस किस में है, जहाँ पर प्लांट में मेल प्लांट मेल फ्लावर प्रोड्यूस करें, फीमेल प्लांट फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, जीनोगैमी। उसका नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपारेटस। तो अगर आपने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपको अगर याद है तो एम्ब्रियो सैक में आपको देखेंगे माइक्रोपाइल रीजन के ऊपर क्या रहता है, इस तरह से आपको एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम फिलीफॉर्म अपारेटस। तो ये जो फिलीफॉर्म अपारेटस हैं, ये फिलीफॉर्म अपारेटस का जो काम होता है वो क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब जो है पोलन ग्रेन से निकलता है तो इसको गाइड करने का काम होता है, किसका, पोलन ग्रेन का, मतलब साइनर्जिट, ये फिलीफॉर्म अपारेटस का, पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब निकलती है उसको गाइड करने का जो काम है वो किसका है, फिलीफॉर्म अपारेटस का है, जो आगे के फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस फिर आगे चल के कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर क्या है उसका, इट गाइड द पोलन ट्यूब। उसका नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल फॉर नॉन मीडिएटेड आईयूडी, यानी कि मीडिएटेड आईयूडी होते हैं और नॉन मीडिएटेड आईयूडी होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से रिलेट करता है क्वेश्चन। तो इसका क्या है, लिप्स लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या है, डोमिनेंस किसको बोलेंगे, तो डोमिनेंस किसको बोलते हैं, हेटरोजाइगस कंडीशन में वो अलील जो एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट बोला जाता है और जो एक्सप्रेस नहीं करता उसको रिसेसिव बोला जाता है। तो एज यू सी हियर इन पेयर ऑफ डिससिमिलर, यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये एक पेयर है जिसमें डिससिमिलर आपको अलील नजर आते हैं। तो यहाँ पर डिससिमिलर पेयर फैक्टर्स एक डोमिनेट करता है, दूसरा क्या करता है, रिसेसिव। तो जो डोमिनेट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑटोसोम लिंक डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। तो एज यू सी ऑटोसोमल जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो कौन से हैं, एक है सिकल सेल एनीमिया और इसी तरह दूसरा है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया के अंदर आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं एनेमिक डिसीज, यानी ब्लड रिलेटेड जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसके अंदर चार चेन होते हैं, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन, तो उसके अंदर जो है रिडक्शन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड में जो है रिडक्शन हो जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया। उसका नेक्स्ट है इसके अंदर नेम द पिरिमिडिन प्रेजेंट बोथ इन आरएनए एंड डीएनए। तो नाइट्रोजन एंड बेस जो कि कंपोनेंट है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं जैसा कि आपको मालूम है, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स दो होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडिन्स तीन होते हैं, साइटोसिन थायमिन और यूरासिल। तो थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए, बट साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। तो द राइट आंसर इज साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी आर ट्रीटेड विद ए वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। सेडेटिव क्या होता है, जो कामनेस प्रोवाइड करता है, जो स्लीपनेस प्रोवाइड करता है। एज यू नो इन ड्यूरिंग सर्जरी ट्रमेंडस पेन जो है होता है पेशेंट को, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, कुछ ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है जो क्या होता है उसको कामनेस प्रोवाइड करता है। तो मॉर्फिन है ना, तो मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसका नेक्स्ट है मदर मिल्क इज कंसिडर्ड एज वेरी एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट। तो इनिशियल पीरियड में जब तक बेबी डेवलप होता है प्रेगनेंसी से पहले तक, तो उसकी जो इम्यूनिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के ऊपर होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है एंड इट एक्सपोजेस टू नंबर ऑफ एंटीजेंस यानी कि जर्म्स, तो इस टाइम में प्रोटेक्शन के लिए जो है उसको एडिशनल सपोर्ट यानी इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है। तो जब इनिशियल पीरियड होता है तो न्यूबॉर्न बेबी को उस वक्त जो है आप देखिए मदर का जो मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, इसके अंदर ज़्यादा एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो बच्चे को क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो एज यू सी मदर मिल्क कंटेन्स एसेंशियल एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू इन्फेंट। नेक्स्ट है मेंशन द रोल ऑफ एजोस्पर्म एज बायो फर्टिलाइजर। तो व्हाट आर द फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर वो मिनरल्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो सॉइल की जो है इनफर्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर भी होते हैं और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर भी होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे सॉइल की फर्टिलिटी इनक्रीज होती है।
तो इसके अंदर बैक्टीरिया है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजो स्पिरुलिनम क्या करता है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज करता है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्लांट कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, तो दे टेक हेल्प फ्रॉम अदर सोर्सेस। उनमें से एक सोर्स है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का और वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू स्टैटिन फंक्शन इन अवर बॉडी एज बायो एक्टिव ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ डू स्टैटिन फंक्शन इन अवर बॉडी एज बायो एक्टिव ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से रिलेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रोकने के लिए क्या किया क्या जाता है, इट एक्ट कंप्लीटली इनहिबिटिंग द एंजाइम विच प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सोर्स ऑफ अग्रोज यूज एज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, डीएनए को सेपरेट किया जाता है। तो उसमें जो है जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कार्बन सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं अगर अगर, और ये अगर अगर जो है बनाया जाता है फ्रॉम दी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेड एल्गी यानी जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। सो नेक्स्ट वी हैव एन क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल फॉर द टेक्निक यूज्ड इन मॉलिकुलर डायग्नोसिस। तो मॉलिकुलर डायग्नोसिस ये आपको ये चैप्टर कौन सा है, ये है बायोटेक्नोलॉजी इट्स अप्लीकेशन। तो एलिसा जो है आप देखेंगे एंजाइम लिंक इम्यूनो सार्बेंट असे, इसका पूरा लॉन्ग फॉर्म है। ये एंटीजन एंटीबॉडी जो मेथड होता है, यानी कि अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज हैं पर्टिकुलर एंटीजन के, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे हमको वो पर्टिकुलर डिसीज़ हो सकता है या होने वाला है। तो इसके लिए आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट डिसीजेस को भी मालूम किया जा सकता है, एड्स जैसी बीमारी को मालूम करने के लिए भी ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज मोर देन 1000 वैराइटीज ऑफ मैंगो, विच लेवल ऑफ डाइवर्सिटी डज इट दिस प्रेजेंट। यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर में आप देखेंगे जो डाइवर्सिटी है उसको जो है तीन लेवल में डिवाइड किया गया है, जेनेटिकल स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल। तो इसके अंदर आप देखेंगे अगर स्पीसीज के अंदर वेरिएशन पाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। तो मैंगो के अंदर जो है 1000 अगर वैराइटीज मिलते हैं तो इसका मतलब होगा ये विद इन स्पीसीज है, तो ये आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंडेमिज्म, ये भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर से रिलेट करता है। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि दुनिया के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही आपको कुछ पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट मिलते हैं, ये दूसरे एरिया में नहीं मिलते, जबकि बहुत सारे होते हैं जो आपको हर जगह पे मिलते हैं, यानी कि ये हर जगह मिलेंगे लेकिन आप जैसे फॉर एग्जांपल जो ए है वो दूसरे जगह पे नहीं मिलता। तो ऐसे स्पीसीज ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं दूसरे जगहों पर नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज, और इसको हम बोलते हैं एंडेमिज्म। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन देख सकते हैं आप, स्पीसीज कन्फाइंड टू जियोग्राफिकल एरिया नॉट फाउंड एल्सवेयर, यानी कि ऐसे जानवर ऐसे प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर जगहों पर पाए जाते हैं दूसरे जगहों पर नहीं मिलते, इनको हम बोलते हैं एंडेमिज्म, एंडेमिक स्पीसीज, और इस प्रोसेस को बोलेंगे एंडेमिज्म। तो एज यू सी हियर वी कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट ए, जिसमें 15 क्वेश्चन थे यानी 15 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको सिर्फ कितने करने हैं 10 क्वेश्चन करने हैं आपके चॉइस के हिसाब से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर के डेप्थ से पूछे गए हैं, अगर आपको थरोली नॉलेज है तब आप ये क्या कर सकते हैं, आप ये इसके आंसर दे सकते हैं, वरना ये एक जो है डिफ़िकल्ट है, ये इसका जो लेवल होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जो पासिंग पैकेज जो हमने कल बताया था उसके अंदर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं थे। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पार्ट बी जो कि 2 मार्क्स का है। तो पार्ट बी कितने मास का है, 2 मास का है। तो यहाँ पर देखेंगे आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंस, यानी कि आपको 3 से 5 सेंटेंस के अंदर अपना आंसर कंप्लीट कर देना है अगर ज़रूरत है तो, रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड। तो पहला क्वेश्चन है नेम द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन पोटैटो एंड वाटर हाइसिन। तो एज यू सी पोटैटो के अंदर आप देखेंगे पोटैटो को ट्यूबर बोलते हैं हम, पोटैटो आई है ना, ये आई बर्ड है एक्सिलरी बर्ड्स जहाँ से जो है स्प्राउट होता है। तो पोटैटो के लिए क्या है ट्यूबर, और ऑफ वाटर हाइसिन के लिए क्या है ऑफसेट। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगियामी एंड ट्रिपल फ्यूजन।
तो सिंग यामी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों को क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में मिलता है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर आप देखेंगे जो एम्ब्रियो सैक रहता है उसके अंदर जो है आप देखेंगे एग जो है, एग से एक गैमेट फ्यूज करता है पोलार न्यूक्लियस से, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से दूसरा। तो ये इसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन और इसको बोलते हैं हम सिंग यामी। तो व्हाट इज सिंग यामी, सिंग यामी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल मेल गैमेट विद एग, यानी कि मेल गैमेट एंड स्पर्म टू फॉर्म द जायगोट। वेयर एज ट्रिपल फ्यूजन क्या है, इज द फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पर जो है इसको, तो यहाँ पे पहले से वो क्या रहता है, एन प्लस एन रहता है, ये और एक एन जाकर मिलने के बाद वो ट्रिपल हो जाता है, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन के नाम से हम जानते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल वाला पार्ट है इसके अंदर जो इसको हम जस्टिफाई करना है बाय गिविंग रीजंस। तो गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सीक्रेट द स्पेशल हार्मोन गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, जिसमें से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। तो LH क्या करता है, एक्ट ऑन लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल फॉर, तो गिव वन एग्जांपल फॉर, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है। तो कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब है कि जहां पर दोनों एलील साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक होता है डोमिनेंट जिसमें डोमिनेंट एलील क्या करता है, रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें जो डोमिनेंट एलील होता है इनकम्प्लीटली डोमिनेट करता है रिसेसिव एलील के ऊपर। अब एक थर्ड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जिसमें दोनों भी एलील साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो ये कंडीशन जो है का एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर। दूसरा है एनिमल विथ एक्सो, तो यहाँ पर एक्स एक्स जो है फीमेल के लिए होता है और एक्सो जो है किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। ये जनरली आप देखेंगे ग्रास हॉपर के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, कुछ इंसेक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ, तो अकरेंस ऑफ पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी का मतलब होता है दो से ज़्यादा सेट, है ना। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर कितने सेट हैं, एन प्लस एन। तो हमको कैसा लिखा जाता है, या हमको या बहुत इनको बोलते हैं डिप्लॉयड, लेकिन अगर दो से ज़्यादा सेट हो गए तो क्या बोलेंगे हम, टेट्रापोलाइट। तो ये क्यों होता है, फेलियर इन साइटोकाइनेसिस, यानी कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन व्हाट हैपन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अगर आप पढ़े होंगे तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फेलियर इन फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे दो न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो गए और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गया, तो इससे क्या होगा, दो सेल बनेंगे जिसके अंदर एक एक जो है न्यूक्लियस होगा। लेकिन अगर सोचिए साइटोकाइनेसिस नहीं होता, होता इफ देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, ये डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यहां पर पॉलीप्लॉइडी है ना का क्यों होता है, तो पॉलीप्लॉइडी इज ड्यू टू द फेलियर इन साइटोकाइनेसिस। टर्नर सिंड्रोम इज फेलियर इन नॉन डिसजंक्शन, यानी कि क्रोमोसोम के सेपरेट नहीं होने की वजह से क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन जंक्शन मिलना, डिसजंक्शन सेपरेट नहीं होना। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोल्यूशन से, एवोल्यूशन कैन आल्सो अकर बाय एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, इंसानों के एक्टिविटीज़ की वजह से होने वाले इश्यूज़। तो उनमें से एक इश्यूज़ है, तो कुछ एग्जाम्पल है इसके अंदर, एक है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यानी कि ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले दो कलर वाले, यानी कि दो टाइप के स्ट्रेन मिलते थे। एक होते थे स्किन की कलर की अगर हम बात करेंगे, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, कि एक ब्लैक कलर वाले थे और एक ग्रे कलर वाले थे। तो जो ब्लैक कलर वाले थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, कम थी, और ग्रे वालों की बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब इंडस्ट्री रिवोल्यूशन होता है तो क्या होता है, ग्रे जो मौत है उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है और ब्लैक की बढ़ जाती है। तो इसका रीज़न रहता है पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। दूसरा क्या है, डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो। उसका नेक्स्ट है लिस्ट टू फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और इननेट इम्यूनिटी। तो ये तो फिजिकल है, ये तो जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। ये है देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर, गैस्ट्रिक HCL और सलाइवा। तो फिजिकल बैरियर होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, सेलुलर होता है और इंटरफेरॉन्स होते हैं। तो इसमें फिजियोलॉजिकल पूछ रहा है उन्हें, इसका मतलब गैस्ट्रिक HCL और सलाइवा आपका आंसर। ये थोड़ा एडिशनल हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन दो इन ब्रीडिंग इज डिसएडवांटेजियस इन एग्रीकल्चर, स्टिल इट इज एसेंशियल जस्टिफाई दिस बाय गिविंग टू रीजंस. यहाँ पर गिविंग टू है, देखिए टू यानी कि टू रीजंस, गिविंग टू रीजंस. तो यहाँ पर इन ब्रीडिंग क्या रहता है, ब्रीडिंग यानी कि प्रोडक्शन करना. तो ब्रीडिंग दो टाइप की होती है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग. तो इन ब्रीडिंग का मतलब होता है क्रॉसिंग बिटवीन सेम ब्रीड, आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है डिफरेंट ब्रीड. तो इन ब्रीडिंग से एक प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, डिसीजेस अपीयर हो जाते हैं. तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, आउट ब्रीडिंग की जाती है. इतना रिस्क होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर के फील्ड में इन ब्रीडिंग क्यों किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है. तो इसके अंदर आप देखेंगे इन ब्रीडिंग से क्या प्रॉब्लम होती है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. ये देख रहे हैं आप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. लेकिन इससे कुछ फायदे भी हैं, यानी कि इन ब्रीडिंग से, डिप्रेशन से नहीं. तो इन ब्रीडिंग क्या कर रहा है, प्योर लाइंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, सुपीरियर वैरायटी को हेल्प मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन होने से रोक रहा है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वेरिएशन नुकसानदेह भी हो सकते हैं, यानी कि है ना, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. तो अगर आप सुपीरियर वैरायटी के हैं, लोअर वैरायटी से क्रॉस होगा तो कैरेक्टर में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा. इसी वजह से जो है ये रिस्क लिया जा रहा है. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होने के बाद उसका जो नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर करना फॉर मल्टीप्लीकेशन. तो व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट. ठीक है, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद होता है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद होता है वेक्टर, वेक्टर के बाद होता है ट्रांसफर करना होस्ट के अंदर. तो होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए आप देखेंगे प्लांट और एनिमल में दो अलग मेथड पाए जाते हैं. प्लांट के अंदर आप, एनिमल के अंदर आप देखेंगे डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है नीडल लाइक स्ट्रक्चर से, माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं. और प्लांट के अंदर बायोलिस्टिक मेथड है जिसको हम जीन गन मेथड भी बोलते हैं, जीन गन मेथड भी हम बोलते हैं, है ना. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट हाउ डज एक्स सी टू कंजर्वेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल को प्लांट को कंजर्वेशन करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑन साइट और एक होता है ऑफ साइट. ऑन साइट का मतलब होता है कि जो एनिमल है या प्लांट है या ऑर्गेनिज्म है उसके नेचुरल हैबिटेट में उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और ऑफ साइट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो है वहाँ से लेके आना और किसी सेफ जगह पर जहाँ पर आप रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वहाँ पर उसको सेफ रखना. तो इसको हम बोलते हैं एक्स सीतु कंजर्वेशन. तो एक्स सीतु कंजर्वेशन, हाँ, इट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट. इट हेल्प्स इन फॉलोइंग वेज, ये पाँच इस तरह से मदद कर सकता है. क्या मदद कर रहा, देखिए दिस अप्रोच इन्वॉल्व प्लेसिंग थ्रेटेंड एनिमल, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके पॉपुलेशन के नंबर के बेस के ऊपर उनकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, इस तरह के कुछ टर्म्स हैं. यानी कि वो जानवर, वो प्लांट जिनको क्या किया गया है, इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है या उनको उनको क्या किया गया है, मारा गया है कि उनकी पॉपुलेशन घट घट कर इतनी हो गई है कि अगर उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नियर फ्यूचर में वो क्या हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. तो इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये जो है आप देखेंगे हेल्प हो सकता है ऐसा. तो ये थे टू मास क्वेश्चन. तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पासिंग पैकेज के अंदर टू मास वाले क्वेश्चन मेंशन नहीं किए थे, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस होते हैं वन मास में, टू मास में. लेकिन अब हम जब आगे स्टडी करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो पासिंग पैकेज है उसमें इसके क्वेश्चंस भी अपीयर हो चुके हैं, हुए हैं इसके अंदर भी. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे एनुअल एग्जाम में भी ऐसा ही होगा. तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पार्ट सी. तो तीन मास का है, राइट ए नोट ऑन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको बोल देंगे हम, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो अगर फर्टिलाइजेशन पेरेंट के बॉडी में हो रहा है, पेरेंटल बॉडी में हो रहा है, तो इंटरनल बोला जाएगा. और अगर बॉडी के बाहर हो रहा है पेरेंट के, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो ये जनरली आपको फिशेस में देखने को मिलता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको कार्टिलेजिनस फिशेस में देखने को मिलेगा और एक्सटर्नल आपको बोनी फिशेस में देखने को मिलेगा. तो राइट ए नोट, नोट लिखना है, यानी कि आपको कुछ डिस्कस करना है तीन मास के लिए कम से कम. तो इट इज़ ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द पेरेंटल बॉडी, एक चीज़.
इट जनरली अकर्स इन सम बोनी फिशेस, है ना, वेयर सिंक्रोनी ऑफ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड. यानी कि जब गैमेट को रिलीज किया जाएगा तो मेल और फीमेल को एक साथ रिलीज करने होंगे टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अलग अलग अगर करेंगे तो क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन मुश्किल हो जाएगा. उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी थ्री आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन फ्लावरिंग प्लांट. तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपका आपके पास पासिंग पैकेज आपके पास है तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन उसमें मेंशन था. तो उसमें 5 मार्क्स के लिए था, यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है. तो 3-5 में से आप कोई 3 लिख सकते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो यहाँ पर हो गया 3 मार्क्स. उसका नेक्स्ट है लिस्ट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. प्लासेंटा एक्ट एज बैरियर टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ मेटरनल एंड फीटल ब्लड, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सीक्रेट हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, व्हाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रिस कंसिडर सुटेबल फॉर जेनेटिक्स स्टडीज. तो TH मॉर्गन ने क्या किया था, इनके ऊपर स्टडी की थी, लेकिन जेनेटिक्स में खासतौर पर किया जाता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे दीज आर दी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, दैट्स वाई दी ड्रोसोफिला इज यूज्ड. तो दे कैन ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडियम, यानी कि आर्टिफिशियली ग्रो किया जा सकता है आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर. इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटा होता है, 2 हफ्तों का. ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं, यानी कि साल भर जो है इसका ये प्रोसेस किया जा सकता है. और एक मेटिंग में मल्टी नंबर ऑफ ज़्यादा नंबर में बच्चे प्रोडक्शन होता है यहाँ पर. नेक्स्ट है मैंशन द रोल ऑफ प्रोमोटर टर्मिनेटर सिस्ट्रॉन. तो ये ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, DNA से DNA बनने को बोला जाता है रेप्लिकेशन, DNA से mRNA बनने को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर यूनिट हैं, यानी कि प्रोमोटर जो बाइंडिंग का साइड है RNA पॉलीमरेज की, यानी कि जो कैटलाइज करेगा RNA पॉलीमरेज उसकी बाइंडिंग साइड, टर्मिनेटर जो स्टॉप करेगा, और सिस्ट्रॉन क्या है, DNA कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड बनाने वाला चेन. उसका नेक्स्ट है enlist the any 3 measures useful for prevention and control of alcohol and drug abuse. ये human health and disease से रिलेट करता है, तो इसमें से आपको ये 3 लिख सकते हैं. उसका नेक्स्ट है what is biofortification. तो biofortification क्या है, increase the nutrient content of the crops. तो mention any 2 objectives. तो यहाँ पे to improve protein content, to improve oil content, to improve vitamin content, to improve micronutrients. इसमें से आपको ये 2 लिख सकते हैं. नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग लॉजिस्टिक ग्रोथ. तो ये जो है आप देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से जो है क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो ग्रोथ है पहले स्लो हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैग फेज बोलते हैं हम. उसके बाद यहाँ पर फास्ट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉग फेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेशनरी. तो यहाँ पे जो ग्रोथ का रेट होगा वो पहले स्लो होगा, फिर अचानक बहुत स्पीड होगा, फिर आकर एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, मेंटेनेंस होगा ड्यू टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर हैबिटेट. जगह की कंडीशन की वजह से, फूड की कंडीशन की वजह से वो लिमिटेड हो जाएगा. तो अब तक कितने क्वेश्चन आए थे, 3. ये और एक क्वेश्चन आया देख सकते हैं आप यहाँ पे, फास्फोरस साइकिल. तो यहाँ पर कितना हो गया, 3+3 पासिंग पैकेज से. तो 6, यानी कि 15 में से 6 मार्क्स आए. तो नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन कैटालिटिक कन्वर्टर. ये एनवायरमेंटल इश्यू से क्वेश्चन है. तो जो क्या है, पोल्यूशन को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है, जिससे एमिशन ड्यूरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड या इस तरह की जो हार्मफुल गैसेज हैं वो प्रोडक्शन नहीं होते. नेक्स्ट है पार्ट डी, जो कि कितने मास के लिए है, 5 मास के लिए है, और इसके अंदर 2 सेक्शन है. सेक्शन 1 भी 5 मास का होगा, सेक्शन 2 भी 5 मास का होगा. सेक्शन 1 में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन 2 में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग. 2 चीज़ें हैं, पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया और वॉल ऑफ पोलन ग्रेन. तो आप देख सकते हैं कल के पासिंग पैकेज में पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया वाला क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ +2, 8 मार्क्स. नेक्स्ट है स्केच सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेमरी ग्लैंड और ह्यूमन स्पर्म में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा. तो ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि 5 मार्क्स के लिए है. तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ 8
प्लस फाइव, और ये भी मैंने क्वेश्चन वहाँ पर मेंशन किया था, डिस्कस वेरियस स्टेप्स टेक्निक इन्वॉल्व इन एआरटी, यानी एआरटी का मतलब क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी कि जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए असिस्टेंस के क्या क्या मेथड्स या टेक्निक हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं फिर एक लिख सकता हूँ, 8 + 5 = तो कितने हो गए 18 मार्क्स। तो अब तक यहाँ पर 18 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मैंने कहा था कल 1 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 18 + 5 तो 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जेनेटिक कोड वाला भी क्वेश्चन मैंने मेंशन किया था, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया है, तो साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, तो जिसके अंदर आप देखेंगे 5 पॉइंट कम से कम आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 23 + 5 28। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर 2 मार्क्स का है और एक 3 मार्क्स का है, तो ये एवोल्यूशन चैप्टर से आया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2-3 मार्क्स के लिए। तो अब तक 28 मार्क्स का जो है पासिंग बैकेज से आ चुका है मॉडल पेपर के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 2, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन, तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन करना है आपको, एनी थ्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग ए न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ क्रॉप, तो 28 + 5 मैं लिख सकता हूँ, ये भी कल पैसिंग पैकेज में था, तो 28 + 5 यानी के 32। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से आया है, तो ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, साइक्लोस्पोरिन ए, वायरस यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट, बाकुला वायरस, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया अनाबिना, और फंगल एसोसिएशन विद प्लांट, यहाँ पर एक में रह गया है, यहाँ पर एक और एक भी ऑप्शन था, उसको क्या बोलते हैं, वो फंगस का नाम क्या है, ग्लोमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से लिया गया है, नीचे वाला जो है बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन से लिया है, जीन थेरेपी वाला क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये कौन से चैप्टर से है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो यहां पर आप देखेंगे सी एनामोमन क्लॉन फिश का क्या है, कमेंसलिज्म, फ्लावर पॉलिनेशन क्या है, म्यूचुअलिज्म। तो कमेंसलिज्म क्या होता है, जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई नुकसान प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उसको। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है। तो नेक्स्ट है लास्ट 2 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन ऑल इन डिकम्पोज, ये इकोसिस्टम से क्वेश्चन आया है, इसके 5 स्टेम है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। उसके बाद लास्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज है चैप्टर, जिसके 2 क्वेश्चन हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये इस अभी तक हमने देखा कि इसके अंदर पासिंग पैकेज में के 32 मार्क्स के क्वेश्चंस मॉडल पेपर में पूछ लिया गया है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये पेपर सॉल्यूशन हो चुका है, अब हम जो है शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आसिफ सर का, सेक्रेटरी विजडम इंस्टीट्यूशन, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके जो है वेबिनार दे सकूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपकी हेल्प के लिए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वारीज हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, थैंक यू वन एंड ऑल।